गाइस वेलकम बैक टू प्रियास क्रिएटिव कॉर्नर। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया DIY आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट किया था दैट दे आर हैविंग सो मेनी ब्रोकन कप्स और मग्स। As you can see, मेरे पास बहुत सारे तो नहीं है, but yeah, I'm having a single among them. तो आज मैं इसे recycle करके बनाने वाली हूँ एक cute सा stylish सा planter, but at the end, I will also give you some ideas which will help you to use it in many other ways. तो ये वो ब्रोकन कप है जिसे मैं रिसाइकिल करूंगी, जिसे मैं ब्यूटीफाई करूंगी और मैं बनाने वाली हूँ इसका एक ब्यूटीफुल प्लांटर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके ऊपर जो भी पेस्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो वाइट सीमेंट और चॉक पाउडर का मिक्सचर रहेगा। और इसे कैसे बनाना है चलिए एक बार देख लेते हैं। So if required, you can add little more of liquid fevicol and here our paste is ready. तो चलिए इसे मैं इस कप के ऊपर लगा देती हूँ। दोस्तों ऐसे कई सारे DIYs मैंने बनाए हैं प्रीवियसली विद द हेल्प ऑफ टेक्सचर पेस्ट। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट फोल्डर रिलेटेड टू द सीमेंट क्राफ्ट आइडिया इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट अंडरनीथ दिस वीडियो। ओके सो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन और बीच में मैंने गैप्स रखे हैं जिसे मैं बाद में फिल कर लूँगी। बट फॉर नाउ आई विल लीव इट टू ड्राई फॉर एटलीस्ट 2 days। और ये देखिए दोस्तों सूखने के बाद का इसका रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे माइनर क्रैक्स फॉर्मेशन हुए हैं। एंड या इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी द रीजन व्हाई इट हैपेंड सो, क्योंकि आप लोगों के साथ भी कई बार ये हो चुका है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मे बी यहाँ प्रोपोर्शन में मेरे से कोई मिस्टेक हो गया हो या फिर थिक लेयरिंग के वजह से भी ड्राइंग के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अदर देन दैट नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसके क्रैक्स को फिल करने के लिए और इसके सरफेस को प्लेन करने के लिए मैं मोल्डिंग क्ले का यूज कर रही हूँ। जस्ट टेक लिटिल बिट इन योर फिंगर एंड प्रेस इट इन द डैमेज्ड पार्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं इस तरीके का थिक एल्युमिनियम वायर ले रही हूँ। एक्चुअली मैंने टेडी बेयर का सोचा है सो आई विल बी ट्राइंग टू गिव इट शेप विद द हेल्प ऑफ दिस वायर। देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है। तो इस वायर को मैं इस तरीके से बेंड करूंगी कि बेयर के साइड का स्ट्रक्चर मैं दे पाऊँ। अगर आपके दिमाग में कोई और शेप है देन यू कैन ईजिली गो अहेड एंड बेंड दिस वायर अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर इमेजिनेशन। नाउ एम सील के हेल्प से मैं टॉप एच के वायर को और बॉटम एच के वायर को अच्छे से सील कर दूंगी। ये आपके वायर को काफ़ी फर्म और स्टिफ बना देगा और साथ ही साथ ये जो ब्रोकन एजेस है उसे भी मैं एम सील की मदद से शेप दे दूंगी। नाउ दिस पार्ट इज एक्चुअली ऑप्शनल। मैं एम सील के छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी और इसे मैं कप के बॉटम में मैं फिक्स कर दूंगी। दिस बॉल विल एक्चुअली एक्ट लाइक 4 legs ऑफ द टेडी बेयर। तो वायर से जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसे शेप देने के लिए मैं यहाँ अगेन एम सील यूज़ कर रही हूँ।
जिसके हेल्प से मैं पूरे वायर को कवर कर दूंगी और साथ ही साथ बेयर का शेप भी मैं इसी एमसील से दूंगी। बट गाइस, दिस इज टोटली ऑप्शनल। आप चाहे तो कैसा भी अपने अकॉर्डिंग इजी या हार्ड शेप चूज कर सकते हो। यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ दैट हाउ यू कैन यूटिलाइज योर ब्रोकन सिरामिक कप्स। एंड या ऑफ कोर्स, अगर आपके पास कोई और भी बेटर आइडिया है अदर देन दिस, देन प्लीज डोंट हेजिटेट टू शेयर विथ अस। ओके, तो फाइनली ये एमसील अच्छे से हार्ड हो चुका है एंड आई हैव गॉट सम सेटिस्फाइंग टेडी बेयर शेप स्ट्रक्चर। और इसके बॉडी को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैं रिमेनिंग टेक्सचर पेस्ट इसके ऊपर लगा दूंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, नाउ इट्स टाइम टू फिल ऑल द गैप्स विच आई हैव लेफ्ट अर्लियर। ओके गाइज, नाउ इट्स कम्प्लीटली ड्राई और अब बारी आती है कलर करने की। वैसे तो आप टिपिकल ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हो जैसे कि बेयर ओरिजिनली होता है, बट हियर आई विल बी ट्राइंग टू क्रिएट सम डिजिटल पैटर्न्स ऑन द होल कप। इसलिए थोड़ा सा ट्विस्ट मैं रखूँगी इसकी कलरिंग और डिज़ाइनिंग में। सो आई विल बी गोइंग विथ येलो एंड ब्राउन कलर। Thank you.
Okay guys, so this freestyle digital pattern on the cup is almost ready. I hope you enjoyed this type of art. If yes, then please comment down below and let me know how much you liked it. So, इस छोटे से कप को आप अपने किचन में यूज कर सकते हो, अपने काउंटर टॉप को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो. Like मैं यहाँ इसे ट्रे के ऊपर रखूंगी जिसे मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रखा है. So that I can organize all my spoons together at one place. And it becomes super easy to grab anytime when required. And side by side ये देखने में भी काफी attractive लगे. This cup is perfectly suitable for organizing my desk area. मैं यहाँ अपने requirement की सारी knick-knack चीज़ें इसमें रख सकती हूँ. I have very small workstation where I think, write, edit my videos and most auspiciously I get inspired. After all, work is worship. दोस्तों, हम सब एक artist हैं. Whether you are painter or writer, you always require your things to be organized in a proper manner. तो क्यों ना हम creatively अपने सारे work को showcase करें? तो आज इस video में मैंने broken cup को recycle किया है और इसे अपने according customize किया है. Ideas are endless and all you need is to explore your creativity. इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये DIY वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक नए क्रिएटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.